इसी बीच एक बड़ी खबर इटावा से है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है, डिवाइडर से कार टकरा गई, दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है, चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुल्तानपुर से हरियाणा जा रहे थे सभी, ड्राइवर को नींद आने की वजह से एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ जहां दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, चार लोग हादसे में घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां सुल्तानपुर से हरियाणा जा रहे सभी लोग इटावा में हादसे का शिकार हुए। जौनपुर में डिवाइडर से जीप टकराने की वजह से हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल चार लोग बीएचयू रेफर किए गए। हादसे के शिकार लोगों में ज्यादातर बच्चे खुनशापुर के रहने वाले हैं। हादसे के शिकार लोग बारात से लौटते वक्त यह हादसा हुआ, यह जानकारी है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से जो वाहन है, वो जीप जो है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरा जो इसका ढांचा है तितर बितर हो चुका है, एक एक पुर्जा अलग हो चुका है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक शख्स की मौत हो गई। बारात से लौट रहे थे लोग और तभी यह हादसा हुआ।